नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। अरुण साहब, सबसे ज्यादा नुकसान जरदारी साहब का हुआ। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सबसे ज्यादा नुकसान जरदारी साहब को हो गए, ठीक है, यू एग्री ऑन दैट? बिल्कुल। और उसी तरह से नवाज साहब को फायदा हो गए। और नहीं जी, ये कहां से परसेप्शन निकाल लिया यार, ये मेरे सामने पड़ा हुआ क्या यार, आप लोग को खुदा से डरते नहीं यार। सैडली देर इज ओनली वन इमरान खान, ये तारिक अली कहता है जादू वो जो सर चढ़कर बोले। और ये जिस आदमी ने बिलियंस डॉलर का बिजनेस करना है नवाज शरीफ ने, और अरब शयूख से हदायत लेनी है, और जो मार्शल्ला की गोद में परवान चढ़ा है, और इंटेलिजेंस एजेंसी क्या बात आप कर रहे हैं। बट इमरान खान की तो पॉलिटिकल फील्ड में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है ना, इतना रोल नहीं है इंपॉर्टेंस यार। और ये वैसे दुनिया में रहते हैं, मेरे साथ तो चलें जरा राजा बाजार और फैसलाबाद और पिशावर चले, किस दुनिया में आप रहते हैं? आप जैसे एनालिस्ट थे जो 70 में कहते थे भुट्टो तो एक बच्चा है, कुछ कभी आ ही नहीं सकता। भुट्टो साहब भी मार्शल्ला के गोद में ही पले थे, वो मार्शल्ला की गोद में वो भी पले थे। ये क्या कोई इनमें इंटेग्रिटी नहीं है, खुददारी नहीं है इनमें रत्ती बराबर भी? कोई इन्होंने कभी मुल्क के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया है? झूठे और मुनाफिक लोग हैं, है एक्सेप्शन, लेकिन अक्सर लोगों को हारून साहब आपकी बात, अक्सर लोगों को आपकी बात अनकन्विंसिंग लगी। अंधे हैं बिल्कुल, देखते नहीं है, इनके सामने एक तब्दीली आ रही है यार। लाहौर में अभी जिमनी इलेक्शन हुआ है, एक पोलिंग स्टेशन पर तो नून लीग जीती नहीं, सब पे इमरान जीता। 14,000 जाली वोट नून लीग के, 8,000 उसके वोट दर्ज नहीं किए। ये तो इल्जाम हैं। कौन से इल्जाम? एक पोलिंग स्टेशन पे नहीं जीता शहर में, एक पोलिंग स्टेशन पे नहीं। ये फिर देखे, मैं आपको 14,000 वोटों की सिफारिश देता हूँ। पर एक प्रोग्राम कर लीजिए, मेरा तो सवाल बड़ा सिंपल था कि सिंपल नहीं है ना ये नवाज शरीफ साहब, वो पता नहीं कहाँ से आपके सर पे सवार हो गया। कायदे-ए-आज़म सानी उस वक्त भी कहते थे उसको, ओ भाई ये कुछ भी नहीं, गुब्बारा सा है ये फट जाएगा, ये दो अच्छा।